మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలం శివం శంకరన్ క్వారీ వద్ద న్యాయం చేయాలంటూ బీహార్ రాష్ట్ర కార్మికులు ధర్నా. క్వారీలో టిప్పర్ బోల్తా పడి మృతి చెందిన కార్మికుడికి న్యాయం చేయాలంటూ తోటి కార్మికులు క్వారీ ముందు ధర్నా చేశారు. క్వారీ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లనే ప్రమాదం జరిగిందని ఆవేదన చేశారు. ఓవర్లోడ్ టిప్పర్లకు బ్రేకులు లేకపోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగిందని శివం శంకరం క్వారీ యాజమాన్యందే పూర్తి బాధ్యత రాహిత్యమని ఆందోళనలు చేస్తున్న బీహార్ కార్మికులు నిన్న రాత్రి సంఘటన జరిగినా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడం వల్ల ఆందోళనకు దిగిన కార్మికులు తమకు కూడా 3 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్న కార్మికులు న్యాయం చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. क्वारी से हम मैं भी नीचे में था. मैं बेड साहब शिवम संक्रम का कंपनी का नाम है शिवम संक्रम. क्वारी में नीचे वर्क काम कर रहा था. उधर बेड साफ कर रहा था. वो मशीन दूसरा मशीन से लोडिंग करके ऊपर आ रहा था और लोडिंग करने के बाद उधर से रिवर्स में आकर के गाड़ी धुल गया. वो नीचे गिर गया. भैया हम लोग भी देखा ना जब गिरा वो नीचे. जब हम लोग पूरा आदमी दौड़ा उसका सुपरवाइजर भी था शिवलू है और आनंद है. वो दोनों तीन आदमी हम लोग उधर ही है सामने देखने के बाद जैसे हम लोग जाके देखे वहाँ कि वो डेड बॉडी ग्राम स्पॉट वहीं डेड कर गया. वो गाड़ी मेंटेनेंस में हैंड ब्रेक कुछ भी नहीं है सर. उस गाड़ी में क्या करेगा हम लोग. चल के आप देख लीजिए गाड़ी में कुछ है ना. ब्रेक है. ब्रेक क्या करेगा. अभी हम लोग गाड़ी अभी गाड़ी ढूलेगा. हम लोग ब्रेक पर ध्यान जाता है. ड्राइवर के ब्रेक पर हैंड ब्रेक मारो गाड़ी वहाँ से खींच के लग जाता है. गाड़ी मेंटेनेंस या कोई भी गाड़ी मेंटेनेंस नहीं है सर. हम लोग क्या करें. कैसा गाड़ी चलाए. माल भी कम लेकर आओ. माधो सर जो हम लोग का हुनर है गाड़ी का वो हम लोग के ऊपर ज्यादा प्रेशर देता है कि माल इतना क्यों 20-25 टन क्यों माल लेके आता हूँ. 30 आओ 45 आओ. हमारा कीमत है 2 रोटी खाने के लिए. आप बोलेंगे 10 रोटी खाओ तो मैं 10 रोटी नहीं खा सकता हूँ. गाड़ी है गाड़ी वो 20 टन माल लेके आएगा. आप बोलेंगे 30 टन लेके आओ तो गाड़ी कहाँ 30 टन लेके आएगा. गाड़ी कोई मेंटेनेंस नहीं है. गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं है. हम लोग क्या करेंगे. उतना दूर से हम लोग 200 किलोमीटर चल के आए आप लोग जीटी में कमाने खाने के लिए. यहाँ में परिषद का काम किया जाता है. पूरा परमेंट 2-2 महीने परमेंट भी रुका हुआ है. ये लड़का भी घायल हो गया. उसका 2 बच्चा एक लड़की है 2 लड़की है. 6 साल की लड़की है 1-4 साल की. उसका कौन देगा रोजी रोटी के लिए. हम लोग बस इतने हम लोग को 50,000 रुपया मान किए हैं. हम लोग को इतना चाहिए. अब पूरा हम लोग का बॉडी सेफ बिहार में जाना चाहिए. बस हम लोग से इतने निवेदन हाथ जोड़ के मीडिया से प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ.